नमस्कार दोस्तों, मैं शुभश्री आज आपको भारत के शहरी सभ्यता के बारे में बताऊंगी। भारत साधारणतः ग्राम्य सभ्यता में प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन बहुत साल पहले हड़प्पा सभ्यता जैसे शहरी सभ्यता भारत को शहरी सभ्यता में परिचित करता है। आइए आज हम उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत का एक प्राचीन सभ्यता है जिसमें शहर वर्तमान शहर की तरह सारे सुख सुविधाएं थे। 19 शताब्दी में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की आविष्कार हुई थी। भारत में अंग्रेज शासन काल में ही अलेक्जेंडर कनिंगहम आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्य थे। उस समय प्राचीन में शहरी सभ्यता की आविष्कार हुई थी। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में आविष्कृत सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जो कि वर्तमान पश्चिम पंजाब यानी कि पाकिस्तान में अवस्थित है। 250 से भी ज्यादा स्थान की आविष्कार हुई थे। इसमें 6 स्थान को ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो की शहरी सभ्यता में माना जाता है। ब्रिटिश समय में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया थे। वो अनुमान करते हैं कि इस सभ्यता ख्रीष्टपूर्व 3250 से लेकर 2750 के बीच बना हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर एक शहर योजना के द्वारा ही बनाया गया था। यह मिट्टी और ईटा में बना हुआ था। शहर के चारों ओर ईटा की प्राचीर बना हुआ था, जो कि इस सिंधु सभ्यता के लोगों को शत्रुओं के आने से सुरक्षित करता था। पानी संचलन के लिए सारे सुख सुविधाएं मौजूद था। वर्तमान शहर की तरह उसमें भी ड्रेन सिस्टम था। शहर के हर गली में आलोक की व्यवस्था था। सारे शहर में सर्वसाधारण के लिए कुआं भी था। परिवेश को साफ रखने के लिए सारे सुख सुविधाएं वहां मौजूद था। आइए अब हम उनके बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। इस शहर में 4 तरह के मोहल्ला होता था। रहने का घर का मोहल्ला, बड़ा मोहल्ला सर्वसाधारण के लिए स्नान कक्ष और सभी के लिए बड़ा कमरा था। रसोई का कमरा सबसे छोटा कमरा था। घर के आंगन में ही रसोई होता था। स्नान, शौच आदि के लिए भी अलग अलग कमरा बना हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम भी का सुविधाएं भी मौजूद था। मोहनजोदड़ो में छोटा बड़ा बहुत सारे कमरा था। इसमें सबसे आकर्षक कमरा था कि स्नान कक्ष। अब हम जानते हैं कि इस छोटे छोटे कमरे में जिसका साइज था 69 × 23.5 meters, इसको कॉलेजियट बिल्डिंग कहा जाता है। इसको वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। स्टोर हाउस के लिए भी 50 से 40 मीटर था, जिसको गेहूं कट्टन जैसे सारे चीज रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही उनको कमरा को वाणिज्य के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इस सभ्यता के लोग जीविका के लिए कृषि के ऊपर साधारणतः निर्भर करते थे और शहर के लोग वाणिज्य के ऊपर निर्भर करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, बार्ली, सरसों, मटर के दाना आदि उत्पादन करते थे। गेहूं और बार्ली मुख्य उत्पादन था। मोहनजोदड़ो में से सुंदर नृत्य शैली में लड़की उनके चित्रकला को प्रदर्शित करता है। मिट्टी से सारे पशुओं जैसे खिलौना बनाते थे। मिट्टी की घड़ा में हड़प्पा बहुत आगे था। सुंदर रंग इस्तेमाल करके बहुत सारे सुंदर घर सजाने की सामग्री प्रस्तुत करते थे। इस सभ्यता ब्रोंज सभ्यता के समय में ही उत्थान हुआ था, इसलिए ब्रोंज से और पत्थर मिट्टी से सारे चीज बनाते थे। वाणिज्य के लिए बैलगाड़ी व्यवहार करते थे। आइए अब हम उनके सामाजिक जीवन शैली के बारे में जानते हैं। हड़प्पा को छोटे छोटे राज्य में और शहर में भाग करके शासन चलाते थे। उनके खाद्य के बारे में जानते हैं। भोजन में वो साधारणतः शाकाहारी और मांसाहारी खाना खाते थे। गेहूं उनका प्रधान खाद्य था। बाली, खजूर, मछली, कछुआ, मांस आदि खाना खाते थे। अब हम उनके कपड़े के बारे में जानते हैं। कटन से बना हुआ कपड़ा और ज़्यादा इस्तेमाल करते थे।
और ज्यादातर उनके कपड़े साधारण की तरह था। पूरे साल और धोती इस्तेमाल करते थे, बालों को गांठ करके सर के ऊपर बांधते थे और दाढ़ी रखते थे और अलंकार भी इस्तेमाल करते थे। महिलाएं सारे अलंकार इस्तेमाल करते थे और महिलाएं वो को ज्यादा सम्मान भी दिया जाता था समाज में। पुरुषों की तरह वो भी समाज में सारे सुख सुविधाएं और अधिकार को उपभोग करते थे। वो साधारणतः गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लेड, ब्रॉन्ज आदि से अलंकार पहनते थे। अलंकार में इयररिंग्स, एंकलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स आदि व्यवहार करते थे। अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए वो ड्रम के साथ साथ नाचना गाना भी पसंद करते थे। ड्रम बजाकर उसके धुन में नाचना उनको बहुत पसंद था और शतरंज जैसे खेल खेलते थे। फिशिंग और हंटिंग उनके लिए साधारण गेम की तरह था। अब हम उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में जानते हैं। पिक्टोग्राफी से पता चलता है कि वो शक्ति उपासक थे। उसके साथ साथ वो शिव पशुपति की भी पूजा करते थे। योगा पोस्चर में एक चित्र से यह पता चलता है। उनके समाज में डेड बॉडीज को सम्मान दिया जाता था। डेड बॉडीज को वो कब्र मिट्टी में कब्र देते थे या फिर जलाकर उनके सब सत्कार करते थे। वो पशु भी पालन करते थे। अपनी सुविधाएं के लिए वो सोर, कुत्ता, हाथी और बैल को पालते थे। बैलगाड़ी उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रधान था। हरप्पा के लोग साधारणत शांति प्रिय स्वभाव के थे। खुद को बचाने के लिए ही वो कॉपर, ब्रॉन्ज और पत्थर से बना हुआ अस्त्र व्यवहार करते थे। आस्क, स्पीयर और बोस एंड आरोस इस्तेमाल करते थे। धारयुक्त पदार्थ ज्यादा उनकी सभ्यता में नहीं पाया गया है। इससे पता चलता है कि वो साधारणत शांति प्रिय लोग थे। 250 से 400 पिक्टोग्राफ से पता चलता है कि उनका जीवन शैली आज के समाज की तरह बहुत उन्नत था। अंत में इस सभ्यता के पतन शायद बाढ़, महामारी, रोग से या फिर बारिश ना होने की वजह से या फिर वो शत्रुओं के आक्रमण कारण अपना स्थान बदल दिए होंगे। इस सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता था कि जो कि बहुत साल पहले भारत में शहरी सभ्यता का प्रमाण देता है। धन्यवाद।